देखो गाइस बिग बॉस हो गया खत्म। जब खत्म हो गया जो चीज गई उसे जाने दो। कम्युनिटी में आई है ट्रॉफी। कम्युनिटी में आई है ट्रॉफी। यस। तो ये बता तेरे को कैसा लगा भाई ये वाला सीजन? भाई सीजन बहुत अच्छा लगा, बस थोड़ी सी कमी ये लगी कि कहीं अगर थोड़ा सा मैं होता ना और मैं भी होता और अपने भाईचारों टॉप करते तो मजा आया। मजा आ जाता। मुझे ये बता कि तेरे को भाई मजा आया टीवी वाले से ज्यादा अच्छा लगा? जेन्युइन बात बताता हूँ, मजा आया। क्यों आया? क्योंकि मैंने 10 वीडियोस बना दी थी उस टॉपिक पे। दिस इज बिजनेस। तो मेरे को मजा आया बहुत बहुत आया। पैसा आया बहुत बहुत। तो ये बता कि तेरा फेवरेट कौन था भाई? भाई ऑल टाइम फेवरेट भाई बेबिका, भाई बेबिका एंड पूजा पांडे एवरी टाइम। मेरी सबसे जो फेवरेट था वो थी मनीषा एंड अभिषेक एंड एल्विश। तो गाइस टू बी ऑनेस्ट हमारे तीनों ही फेवरेट थे। yes. मनीषा एल्विश और फुकराम यही बात करते थे कि तीनों में से कोई भी जीत जाएगा। दोनों में से कोई भी जीत जाएगा, फुकरा या एल्विश में से कोई दिक्कत नहीं है। बट यार इनकी ऑडियंस बढ़ रही है भाई। खुश रहो हमारे कमेंट सेक्शन में प्यार दिखाया करो, गाली वाली मत लिखा करो, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें गालियां वाली देखिए। और इसको बोलो ये चश्मा उतार दे, बहुत महंगा लग रहा है। साला चलता है मुझसे। बाकी पुनीत भाई का बोल यार, उसको आना चाहिए अगले सीजन में वापस। नहीं आएगा ही नहीं आएगा। बाकी भाई बंदे ने एक दिन में कितना कंटेंट दे दिया था यार। पुनीत ने जो कंटेंट दिया है ना वो भाई ऐसा था कोई नहीं दे पाया अब तक एक ही दिन के अंदर। ऐसा था कि जिसमें हमने तीन वीडियो निकाल दी। बाकी कोई रीजन नहीं था उसको निकालने का। उससे गंदे गंदे आए थे भाई मेंबर। हाँ। एक टाइम में वो बाबा आया था जिसने टुस्सु गिरा था लोगों के ऊपर, उसको तक नहीं निकाला भाई। को जिंदगी ने निकाल दिया ना। मर गया वो, तुम मर गया भाई राष्ट्रीय। तो गाइस देखो बहुत टाइम के बाद आ रही है अपने भाई के साथ वीडियो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अच्छा अरे लग जाएगी तेरे बेटा। अरे 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 तेरे सही में लग जाएगी। अरे लग जाएगी फिनाले तक। अरे हां एक बार ले दा खत्म कर। लग जाएगी। अरे क्या अबे भाई अबे तुम्हारे दोनों की लग जाएगी। एक चुम्मा दिलवा दे अभी। भाई ऐसे अपन दोनों भाई एक तो आनी चाहिए ऐसे। एक चुम्मा दिलवा दे। उधर से आना। रुक जाएगी तेरे दोनों साइड से। अरे रुक जा इधर कर जा। कमेंट कर रहे हैं इधर गएंगे क्या है भाई? फाड़ो एक चुम्मा बस। एल्विश को ना एक दिन के लिए छोड़ दो भाई एक साथ कमरे में। तो उसको ऐसे लगता है कि गेम में कुछ करना है तब वो शायद गड़बड़ कर जाता है। बहुत अच्छा इंसान है। तेरे को कैसी लगी थी? क्यों लगी थी? नहीं बिल्कुल नहीं। ओके बाय बाबू आप क्लियर कर लो यार। नहीं आप क्लियर कर लो, बहुत हो गया यार। क्या लगा दिया यार? क्या मतलब बाहर आ गए बाबू ने क्लियर नहीं किया? इतने सारे सेलिब्रिटीज यूट्यूबर्स एक्टर्स पॉलिटिशियंस एक साइड इतने सारे लोग और उनके अगेंस्ट सिर्फ निश्चय अकेला खड़ा रहा। और ये सब दुगला ऐसा थोड़ी है यार। निश्चय के पास भी सारे ओमेगल के क्रिएटर्स थे और वो कॉमिक्स वर्स वाले सारे बंदे थे, मैन ऑफ कल्चर वाले एंड गेमिंग के क्रिएटर आए थे, बट अकेला तो नहीं था यार। ऐसे तो तुम खुद ऐसे मत बोलो कि मेरा भाई अकेला था, तुम्हारे भाई के पीछे बहुत लोग थे। अगर तुम ऐसे बोल रहे हो कि मेरा भाई अकेला खड़ा था, जितने भी लोग तुम्हारी लाइव स्ट्रीम्स में आए थे लाइक, तो यार उनकी तो बेइज्जती है ना। लाइक वो तो ऐसे सोच रहे होंगे कि फिर हमने तो कुछ किया ही नहीं, मतलब तीन तीन चार चार घंटे वो लोग लाइव स्ट्रीम में आए हैं। मैं तेरा दोगला पन्ना उतारता हूँ तो आज शाम को मेरे चैनल पे टिकट। हाँ यही वाले करने के लिए आने वाले हैं इंडिया के टॉप टॉप के क्रिएटर्स लाइक, मैं सबके नाम भूलना चाहूँ, मैंने याद करे आशीष भाई हमारे आशीष चंचलानी फ्लाइंग बीस भरत तनेजा सर एंड मुंबई का निखिल रणवीर अलाहाबादिया बियर बाइसेप्स एंड धीरू थगेश कुणाल छाबड़िया भाई एंड मित्रांड। हमने पैसे भी नहीं दिए ना बड़े बड़े लोगों को हमारे लिए स्टोरियां डाले। कि जो भी यूट्यूबर थे जो भाई घर पे आके ब्लॉग पे लिख गए हैं, जिनको हमने काफी वीडियोस में लिया है भाई, 10-10 लाख रुपए तक भी दिए हैं वो बंदों ने। 10-10 लाख रुपए दिए हैं भाई। एक बार भी अभिषेक भाई को सपोर्ट नहीं किया। मतलब क्या भाई, इतना सब कुछ खुद से बोल के आप लोग बोल रहे हो कि हमने कुछ नहीं किया। गाइस वो अकेला नहीं था, प्लीज आप ऐसा बोल के जितने भी क्रिएटर आए थे यार उनकी बेइज्जती मत करो यार। बेबी का कैसे वीआईपी हो रही है? तो सोऊंगी ना। तो मैं उठाने थोड़ी आया हूँ, मैं तो बस मजे लेने आया था। यार बेबी का भी तो ऐसे करती है ना जब कोई सो रहा होता है। 15 दिन छोटे 15 दिन
अरे वो पीछे बैकग्राउंड भूल गया। लॉर्ड रियली मनीष आशा चीनी हो इरिका, अगर मैं गई हो तुम ऐसे फूट फूट के नहीं रोई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। She's not crying because she misses illness, or she's crying because she won't have someone to be her little groomy. Yeah. She lost a pet. ये दोनों ना विलन नहीं थे, जबरदस्त और बेबी का ऐसे लगता है लाइक उस टाइम बेबी का बाद में सुधर गई, स्टार्टिंग में इविल होता ना इविल वो लगते थे ये दोनों। भाई पूजा तो मेकर्स में थी ना, मेकर्स की टीम में थी। ओ भाई सीएम साहब प्रेजेंट सीएम ऑफ हरियाणा विद द फ्यूचर सीएम सिस्टम। अरे भाई बहुत भीड़ आई थी भाई इस वाले मीटअप पे भी, बहुत तगड़ी भीड़ आई थी। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि एल्विश बन जाएगा सीएम? अबे जहाँ खड़ा हूँ ना 36 पुश्तैनी ये तो भाई पहुँचने में, ये शायद पुनीत गया था उसके तीसरे चौथे दिन ही कांड हो गया था ये ना, जब बेबिका ने बोला था कि तुम्हारा कंटेंट कॉपी है पर यार ये इन्होंने गलत किया था, फुकरा नंबर वन पे आया था और छठे पे गिर दिया भाई, जिसको ऑडियंस ने जिस पोजीशन पे रखा है रखो ना उसको, पर बेचारे क्या कर पाए कुछ ही ना कर पाए, उखाड़ तो क्या ही पाए जिसको नंबर नकली हवा बोल रहे थे फाड़ के रखती है। प्यार करा इकरार हुआ कुछ ना कुछ हुआ तभी तो तुम हुए, तुम्हारे तो 10 हुए तो भाई। हम 8 हैं, 8 बार प्यार पोपड़ा बंदर अपना पागल बार प्यार कुछ नहीं वाली बात है कि 8 बच्चे 8 साल तो इंसान 6 महीने हर बच्चे के बाद मतलब 15 साल तक बंदा बैठ गए ज्यादा डीप चला गया। अबे सच बता रहा हूँ उस चीज को भी तो समझ, उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ करा, प्यार भी किया। शर्म आती है तू चुप, प्यार भी क्या और बीप कर दिया करेगा थोड़ा शर्म क्या ना आज। मुझे एक बात बता तेरे को क्या लगता है तेरे मम्मी पापा तेरे को क्या तेरा डायरिया नहीं पता तू फटफट यार तुम्हारे को डर लगता है। अरे तेरे मम्मी पापा वही कहानी सुनाते हैं क्या, हमने रात को मांगा शेख भाई दिल्ली से भाई तेरे मम्मी पापा वही कहानी सुनाते हैं क्या, एक गोदी में हमारे भगवान जी आए तुम्हें छोड़ के गोदी में हमारे, एक अलग फीलिंग है और उसके बाद जो बच्चे होते हैं वो फीलिंग सारी कहानी सुना दी भाई पूरा बायोलॉजी बताते हैं इसने बच्चे कैसे बेबी का जो है ना चलते वो बेफालतू में कुछ भी बोलते मेरे को बोल के दिखाए। लेकिन एक सेकंड वायलेंट नहीं होना प्रॉमिस करो। हाँ ये भी है प्रॉमिस यार प्रॉमिस करो गलत है आइए ये गलत है बाहर कुछ और बोल के क्या अंदर कुछ और चाचा का वो थोड़ा ये तो बाहर ये भी बोल दिया था कि पूजा भट्ट से मेरी नहीं बनी भट्ट से रंदर जाके उसको कहानियां सुना रहा है अपने बचपन की और सुन रहा है उसकी कहानियां। मुझे नहीं पता था तेरे में इतना दिमाग है बट है excuse me 100% me too my bestie मुझे नहीं पता था तेरे में इतना दिमाग है, मेरी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है बेस्टी भी नहीं है। पहले दिन जाके ना लोग है ना एक दूसरे से घुलते मिलते नहीं है, तीन दिन तो उनको कंफर्टेबल होने में लगते हैं और ये बंदा इस बंदे ने तो पूरे घर को वो कर दिया। पहले दिन जाके बोल रहा था मेरे बाप का घर है ये तो खाली बैठे हैं, जिनको ऐसी मूवी देखने मजा आता है जिन मूवीज का ना कोई सर है पैर है, पर सल्लू भाई की मूवी है ये जो आपको ज्वाइन करते हैं वो हजार रूपए देखे ज्वाइन करते हैं आपके फ्री में तो ये आपकी फैन आर्मी है ये काम कर लो। तो पता नहीं है कितनी सुपर चैट आती है जब ये लाइव आते हैं लोग, ये अगर आपके लिए जान दे देंगे ना तो ना कि जान मत देना भाई 500 रुपए मुझे 500 रुपए दे दो भाई। इसके बाद ऑडियंस ने क्या क्या बोला था कि 500 गया 10,000 5,000 कितने दे देंगे दे सकते हैं भाई। भाई कितनी ऑडियंस तो आ गई थी यार मीटअप पे। भाई मेरे को लगा था कुछ सैड होगा चुम्मा दे भाई ट्यूनिंग इतनी सैड चल रही है और लक्षण देखो यार ये कैसी तंग करने वाली मैं बिट जा पर तू एल्विश नहीं है ना तू चुम्मा ले भी लेके आ जा अकेला ही सो रहा था मैं तो
मनीषा का आग लगाना ना अभी बहुत ही गंदा लग रहा है, इतना गंदा लग रहा है कि ऐसे लग रहा था इसमें डायलॉग बोल रही है मनीषा का ना आग लगाना ना, बाहर बहुत ही गंदा दिख रहा है, गंदा दिख रहा है। मैं भी फोन पे देख के आई हूँ, इसके साथ बैठने में ना घिना रही है मुझे, तो तुम मेरी वजह से यार। अरे नहीं नहीं हम लोग ये कुछ नहीं बोला था, जो भी है ये लोग फिर आग ना लगाते तो फिर मजा भी नहीं आना। पूजा बढ़चा रही थी कि ना सब चीज एकदम शांत पवित्र तरीके से हो ताकि जियो सिनेमा की टीआरपी की मां की बहन एल्विस भी लाइक कहीं मैंने इन पे जो रोस्ट निकाला था वो देख तो नहीं लिया भाई, एल्विस को लग तो रहा होगा कि यहाँ पे मेरा हाथ तो नहीं उठाएगा क्योंकि मैंने इस पे रोस्ट फेला था भाई। देखियो अच्छा मुझे नहीं लगता यार सलमान खान ने रोस्ट वीडियो देखा होगा, कितने रोस्ट बनते हैं यार सलमान खान पे, डेली रोस्ट बनते हैं, वो यही काम लगा रहेगा तो फिर मूवीज कब बनाएगा भाई अपनी, लगा के सोया कर नहीं तो मतलब उसमें क्या था दूसरे दिन जाती उतार दी इसकी तो भाई तुम यहाँ रख के मुंह सोते हो मेरे नहीं तुम यूं रख के सोते हो तो तुम ऐसे आके सूंघते हो यही नहीं अभी और सुनिए नहीं इतनी है कि रखने की जरूरत भी नहीं है, चलो ये भी ठीक है हाँ। भाई तुम नाक बंद करके सोया करो यार ताकि सुबह उठो ही ना, सुबह उठोगे नहीं तो फिर भाई इन दोनों की पहले दिन तो बहुत बजी थी, कृष्ण जाते जाते सब मुंह पे पंगे लिए थे, हम तो सिस्टम ही सिस्टम कर रहे हैं, करोगे हमारे साथ सिस्टम, वो अगले दिन का था वो अभिलाष बता क्या है सिस्टम मुझे नहीं समझ में आता सिस्टम भाई सीजन गाइस आप लोगों में प्यार दिखाते रहो ताकि अगले से अगले सीजन में हम दोनों जा पाए, नहीं नहीं अगले सीजन में जा रहा हूं मैं तो, तू अगले सीजन से अगले में चल वाइल्ड कार्ड की तौर पे आ जाइए तू, चल ठीक है गाइस ज्यादा मिलता है इसको पहला भेजो फिर वाइल्ड कार्ड आऊंगा। गाइस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज जाते हैं वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगली वीडियो हम कौन से टॉपिक पे लेके आए। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वाचिंग, पीस आउट, छोटे भाई के थप्पड़ मारे शर्म नहीं आ रही, एक और दो चल स्टार्ट कर अभी रिकॉर्ड हो रहा है।